आम आदमी पार्टी के उपवास के खिलाफ भी एक प्रदर्शन हो रहा है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। आज देश भर में दरअसल आम आदमी पार्टी ने उपवास का कार्यक्रम रखा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेता उपवास पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं और आम आदमी पार्टी के उपवास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से आपके उपवास के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए के खिलाफ उपवास कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। और आज देश भर में जहां आपका उपवास कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। समीर, जहां अभी तक हम देख रहे थे कि तैयारी पूरी थी, एक बार फिर से उपवास को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े ऐलान किए गए हैं, वहीं दूसरी खबर आ चुकी है, शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन भी शुरू। बिल्कुल, अनशन से करप्शन का आरोप खत्म होगा क्या, जिस सवाल का हमने शुरुआत में जिक्र किया, आइए उससे जुड़े अहम पॉइंटर्स पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई और अब उस पार्टी के तमाम नेताओं पर संगीन इल्जाम लगे हैं करप्शन के ही। 2011 दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन हुआ, 21 मार्च 2024 भ्रष्टाचार के आरोप में हुई गिरफ्तारी और 7 अप्रैल 2024 को गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन। तो ये अपने आप में वो अहम बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल को लेकर खबर ये कि भगत सिंह के गांव में भगवंत मान के अनशन को लेकर बड़ी खबर है। सीधे उसी गांव का हम रुख भी करेंगे जहां पर भगत सिंह के पैतृक गांव में भगवंत मान की मौजूदगी पूरी कैबिनेट के साथ ये एक बड़ा संदेश देने की समीर कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरीके से मंच सजाया जा चुका है, पंजाब कैबिनेट भी इस प्रोग्राम में शामिल बताई जा रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी सीधा होगा संवाद। वहीं सभी राज्यों की राजधानी में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अनशन को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं और इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है समीर कि विदेशों में समर्थकों से उपवास रखने की भी अपील की गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। आशीष सूद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव है। हरपिंदर टोहरा भगत सिंह के गांव खटकर कला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूद साहब, पहला सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी के इस उपवास को लेकर, इस अनशन को लेकर आपकी पार्टी की राय क्या है, क्योंकि लगातार आरोप इस बात का कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है जी, और आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले झटका देने की कोशिश है, खत्म करने की कोशिश है। अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर हैं, अनशन होगा, उपवास रखा जाएगा, कैसे देखते हैं आप? अभी आपने जो अपने प्रोमो में जो आपने विंडो काटी थी और अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान के एक उपवास में दिखाए थे जी, शायद वो अगस्त 2012 का है जहां अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, इस आंदोलन से निकले हुए लोग शायद इस कुर्सी में ही खराबी है, जो उस कुर्सी पर जाकर बैठता है वो खराब हो जाता है। तो आज आपने उस फोटो को यहाँ दिखाकर और इस उपवास ने आज अरविंद केजरीवाल के उस बात को साबित कर दिया कि ये जो नकली आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं जो दूसरों के कंधों पर आकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करते हैं, उनके आने से कुछ बदलाव नहीं होता है। और रही बात चुनाव से पहले उन लोगों को रोकने की, तो अक्टूबर 2023 से अरविंद केजरीवाल को समन दिए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल समन पे पेश नहीं हुए, अगर उन्हें रोकना ही था तो ईडी ने उनकी उनकी जमानत, संजय सिंह की जमानत का विरोध करती ईडी, अगर स्वायत्त संस्था ने अपना फैसला लिया और वो बाहर आ गए। मेरा केवल इतना कहना है अरविंद केजरीवाल और नहीं, लेकिन आशीष जी उसमें एक पॉइंट था ना, अगर ईडी जमानत का विरोध करती तो पूरा केस ही खत्म हो जाता। पीएमएलए में अगर जज साहब
से के जरिए जमानत मिल जाती, कोर्ट के जरिए जमानत मिल जाती, तो फिर तो केस ही नहीं बचता। ये भी आधा सत्य है ना जी। कैसे? जब ये सैकड़ों केसेस ऐसे हैं, जहां पर जिससे पूछताछ होनी है और पूछताछ नहीं उन्हें जमानत दी जाती है, नंबर वन। नंबर टू, संजय सिंह बार बार आने के बाद ये कहते हैं 10 बयान केजरीवाल के खिलाफ थे वो पेश नहीं किए गए। ये विक्टिम कार्ड है, केजरीवाल के खिलाफ कौन सी चार्जशीट दाखिल की गई है? दिया कि बयानों में कहीं नाम आया ही नहीं, और जो बातें नहीं कही गई हैं इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी दर्ज किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स पे। हालांकि इसी लिहाज से मैं आगे चर्चा करूंगी, उससे पहले सीधे जंतर मंतर की तस्वीर देखना जरूरी है सर। जंतर मंतर की तस्वीर इसलिए देखना जरूरी है कि क्या ये सब कुछ कानूनी कार्रवाई के तहत हो रहा है। हरपिंदर टोहरा का रुख करते हैं, भगत सिंह के गाँव खटकर कला से इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कैसी तैयारी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि भगवंत मान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हरपिंदर, देखिए बिल्कुल पूरे पंजाब से जहां पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो जहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और कुछ ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जहां पे पहुंच जाएंगे। मैं स्टेज की पहले सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये स्टेज है जहां पे स्टेज लग चुकी है, और भगत सिंह की तस्वीर भी जो है जहाँ पर लगाई गई है, और केजरीवाल की तस्वीर भी जहाँ पे लगाई हुई है, सलाखों के पीछे उनको दिखाया गया है। और दूसरी तरफ इधर अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे पूरी कैबिनेट बैठेगी, और जो पंजाब के विधायक है वो जहाँ पे बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो समर्थक है आम आदमी पार्टी के वो जहाँ पे जुटना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में जहाँ पे भगवंत मान पहुँचेंगे, जो तख्तियाँ लेकर पहुँचे हैं, जुल्म का जवाब वोट, यानी कि जुल्म का जवाब वोट, ये तख्तियाँ लेकर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो जहाँ पे पहुँचे हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जो किया जा रहा है, इनका यही कहना है कि हमारी आवाज़, हम यहाँ से अनशन इसलिए कर रहे हैं कि ये आवाज़ हमारी जो है दिल्ली तक पहुंचे, और इसी को लेकर आज जो है यहाँ पे ठीक है, दिल्ली पंजाब और अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज उपवास रख रहे हैं, नेता उपवास रख रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि जनता के मन में ये सवाल भी पलट कर आ रहा होगा कि कहां थे, कहां पहुंच गए, क्या कहते थे, अब क्या कर रहे हैं? ये सवाल जनता को परेशान नहीं कर रहा होगा क्या? क्योंकि आप तो वो पार्टी थे जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए हुआ था, और अब आपके नेताओं पर इतने संगीन इल्जाम भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग अनशन कर रहे हैं जी। इस देश में भाजपा ये जान ले कि किसी को भी अगर जेल में डाल देने से वो अगर अपराधी हो जाता है, तो भाजपा कह रही है क्या कि इस देश में सीता जी भी अपराधी थी, कृष्ण जी भी अपराधी थे, वाजपेयी जी भी अपराधी थे, लालकृष्ण आडवाणी जी भी अपराधी थे, क्योंकि ये सभी लोग भारत के बहुत बड़े बड़े हीरो रहे हैं और ये सभी जेल में रहे हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो जो नैरेटिव लेती है वो पहले ही गिर जाता है। आप जो कह रहे थे ना कि भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में जो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, असल में वो प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के ही कार्यालय के सामने कि दिल्ली शराब घोटाले के जो एक आरोपी हैं मगुंटा रेड्डी, उनके साथ भारत के प्रधान जी क्या कर रहे हैं बैठ के। भारत बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले का 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी से क्यों ले लिया। तो असल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं वो बीजेपी के ही खिलाफ कर रहे हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे, अरविंद केजरीवाल के लिए आज उपवास क्यों किया जा रहा है। तो हम लोगों के भारत में ना तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो खैर उनको वो ये दिखाएंगे तो हम भी ये दिखाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंगुटा रेड्डी जी आपसे ज्यादा अरे मंगुटा जी तो केजरीवाल से मिलने भी आए थे ना। हाँ, तो इस तस्वीर से आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो सांसद थे तो मिलते ही रहते थे तमाम बड़े नेताओं से। मैंने आपकी पार्टी के रुख को लेकर सवाल पूछा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अलग थी ना। आम आदमी पार्टी तो शर्मा जी अलग थी ना। आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड रखा था कि नेताओं पर जैसे ही आरोप लगे वैसे ही उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। कहां गए वो आदर्श? आरोप लगने के लिए आरोप तो लग गया है। दिल्ली की जो शराब घोटाला है उसका 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी के पास पहुंच गया है, आरोप तो लग गया है। तो बात यह है कि अगर आरोप लग गया है तो शरद रेड्डी को क्यों कानूनी हिरासत में नहीं लिया? अच्छा, मतलब वो आदर्श दूसरी तो पार्टी के नेताओं के लिए। भाजपा के प्रधान जी काहे नहीं ईडी में चले जा रहे हैं? भाजपा ने तो शायद, मतलब जिन आदर्शों का आप जिक्र कर रहे थे शर्मा जी, वो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए थे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं।
मतलब प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े भी होते हैं, तो भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली शराब घोटाले में उसने शरद रेड्डी से पैसा क्यों ले लिया और उसके आरोपी के साथ प्रधान जी क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए, उस बात को छोड़िए, बात पर आते हैं। आपने तो छोड़ दिया, मेरा सवाल ही छोड़ दिया आपने शर्मा जी। आपके ही सवाल पर आ रहे हैं, आपने मेरा सवाल ही छोड़ दिया। मैंने ये कहा कि वो आदर्श जो आपने गिनाए थे वो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए थे ना, अपनी पार्टी के प्रवक्ता। आप देखिए, एक सांसद के साथ फोटो होने पर हाँ, और ये शराब घोटाले के आरोपी की फोटो है दिलेश अरोड़ा की, जो जिसने पैसे दिए, जिसने शराब कंपनी ने संजय सिंह के चेले को फोन दिया, इनको शेयर दिया, 172 मोबाइल क्यों तोड़े, जवाब नहीं देंगे। ये जो कहते हैं केजरीवाल अपना पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा है मोबाइल का, तो ये जो आम आदमी पार्टी अपना छिछोरापन हल्के नशे में प्रवक्ताओं को बिठाकर यहाँ भेज देती है, एक सांसद के साथ फोटो होना, एक सांसद के साथ फोटो होना, एक सांसद के साथ फोटो होना, अगर आप संस्कारी पार्टी है ना, संस्कारी पार्टी है, तो इस बार के सुबह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक शराब के घोटाले है रामायण में कहा। अच्छा, एक एक करके भाई, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ भी आएगा। और सर, पर्सनल अटैक अवॉइड करिए, जिसको मनुष्य जेल में डाल देते हैं। इन तमाम सवालों के बीच आपके भाजपा ने 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी से लिया हुआ है, हम नहीं कह रहे, भाजपा खुद बोल रही है। तो अब सवाल ये उठता है, शरद रेड्डी से उनके अंतर्गत आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, उसके कलम के अंतर्गत भाजपा के प्रधान जी दिल्ली के सामने कब जाके सरेंडर करेंगे। सीधा सा सवाल तो जनता ये पूछ रही है कि भाजपा ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया क्यों ले लिया। भाजपा इसका जवाब दे दे, तो आप एक झूठ। इस वक्त हकीकत समीर यही है, फोटो का जवाब फोटो से, सवालों का जवाब सवालों से, और प्रदर्शन का जवाब भी प्रदर्शन से ही दिया जा रहा है।